कोई ना तारे चने अंबर जमीन कोई ना मैं जदो तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना सोनिया भी लगन गिया फे बालियां गला नाल जदो टकराइया वालियां तारे देखी लब लब किवें हर दे तू वाला चल कोईया जदो रातां कालियां मैं सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा। हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको एक बार लोकेशन दिखा देती हूँ मैं, जहाँ से अभी मैं हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। आई होप यू कैन सी। और देखिए, यहाँ पे बैठ के ही मैंने स्टडी की और न्यूज़पेपर पढ़ा। यू छ हमर घर घर जानक रास्ता वे टू होम, एंड वहाँ से मिस्ट आ रही है। वहाँ से मैं आ गई हूँ, काफ़ी दूरी से मैं आई हूँ। आपको थोड़ा अपने गांव के जो पहाड़ हैं, जंगल है, वो दिखाती हूँ। और गढ़वाली सॉन्ग भी आप सुन सकते हो मेरे साथ, एक पहाड़ी गीत। Let's enjoy with me. Look at this, the luxury, the greenery. गाँव की एक खासियत यह है कि आप कहीं से भी किसी भी रास्ते चले जाओ, पहुँच जाओगे आप अपनी मंजिल तक, घर तक। तो कहीं से भी चलते हैं। ये जो मिट्टियाँ हैं, ये मिट्टी दिख रहे हो आपको, थोड़े थोड़े खंडर टाइप के। तो यहाँ से जो घरों की लिपाई होती है ना, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए ले जाते हैं। काफ़ी सारी मक्खियाँ पीछे पड़ गई हैं, देखो। यहाँ से नीचे चलते हैं। कन भलू लग दे दगड़िया हमारो पहाड़ दगड़िया ओ दगड़िया कन भलू लग दे। अब मैं जा रही हूँ फ़ोन को बंद करके, बिकॉज वैसे भी फ़ोन फ्लाइट मोड में है, मतलब इंटरनेट तो चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गिर गई मैं तो। कुछ हॉस्पिटल भी नहीं है इधर, सो ओके, सी यू। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो।
नमस्कार फैमिली। सो ये मेरा गढ़वाली व्लॉग है, गढ़वाली कम हिंदी, ठीक है। तो मिक्स मैं इसमें बातें करूँगी, तो अगर जिसको स्किप करना है वो कर सकता है, और बाकी जो मेरा पहाड़ी भाई बहनी ची तो वो तो ज़रूर शेयर करा एंड वीडियो थे लाइक करा, ठीक है। तो यू जो हमारे पहाड़ च यो किसके लिए फेमस होता है, पाइन ट्रीज़ के लिए। ये आपको चीड़ के पेड़ दिख रहे होंगे बड़े बड़े, तो चीड़ के पेड़ यहाँ पे होते हैं। कुल्ले पहिया डाली, पहिया एक घास का पेड़ होता है। ये जो ये सामने वाला पेड़ है ये भीमल का पेड़ है, भीमल, ये गाय के लिए घास इससे होता है, गाय का घास। ये माल्टे का पेड़ है, वहाँ पर लीची का पेड़ है, ये हमारे अमरूद का पेड़ है, और वो आमक डाल च, ठीक है, डाल मतलब पेड़। तो आयु सुंगुरल कह रहे हो, यहाँ पे क्या होते हैं जंगली सूअर होते हैं, ठीक है। जंगली सूअर कुछ कोई फल होता है जंगली, जैसे अरबी के टाइप का होता है, सिमिलर लाइक अरबी, तो यहाँ पे वो उसको खाने की वजह से आते हैं। ये मेरी स्लीपर थी, ये भी वो यहाँ पे ले आया है, ये देखो दोनों स्लीपर थी ये मेरी बहुत। तो अभी मिल क्या करें ना, अभी मिल गया सफ़े करें, मतलब बसगाल लग रहा है। तो बसगाल बरसात मौसम क्या होंगे कि घास जम जान, ठीक है। तो ये थे कुलनी बोल दी, कुलनी तो मिल गई सभ्य साफ करें, फिर मैं तुम थे दिखूँ कि कैसे मैं सफाई करती हूँ इसकी, ठीक है। तो देखते हैं, मतलब क्या दिन हमारे पहाड़ में खूब खेती हो चाहे। अब यू जंगली जानवर सुंगर घूणी बंदर यू सब खराब कह रहे हैं। यकबटी हम शुरू कर ला, और मैं बताऊँ कब तक हम जान चे, और हम एक बार यक यू भी डंडल ऐसे भी कर दें ताकि अगर कोई सांप वगैरह हो तो वो निकल जाए बाहर। यहाँ तक पूरा मुझे साफ़ करना है, ये दिस इज़ माई चैलेंज फॉर टुडे। तो चलो फिर शुरू कर दा चाहूँ। आम भी लग रही है देखो ये फिर। तो अब मिल करें यक बट्टी शुरू करें, ये कुछ उपाड़े नहीं मिल। अब एक बार यक गंडन हिंदी कह दें कभी गुरा बैठू, और गुरा मतलब सांप, ठीक है। तो सांप ना हो इससे क्या दिन यू काम मतलब पहल करूँ छा जेबर NCC। वैसे NSS वालू थे, मतलब जो दो होते हैं ना, एक NCC होता है एक NSS होता है। तो मेरी वैसे NCC थी, NSS मेरी सिस्टर उनकी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली ये सब काम जो स्कूल कैंपसेस के आसपास या गांव-गांव में जाके ये NSS में होता है। थोड़ा बहुत NSS के बारे में जानकारी आपको दे देती हूँ। ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है ना। और जब गांधी जी का जो सेंटेनरी ईयर था कब का, 1969 का, तब से ये स्कीम लॉन्च हुई थी NSS, नेशनल सर्विस कमीशन। तो मतलब इसमें ये क्या होता था, सब लोग कम्युनिटी के बीच में और जो स्टूडेंट और टीचर हैं उनके बीच में डेवलप करना एक भावना को, है ना। तो ये था NCC के बारे में, मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी, नेशनल कैडेट कोर सर्विसेज, जिसमें मैं थी ऑलरेडी। तो यू वेरी अब क्या क्या समझ में था, थोड़ा भी करंट पालल यूज के लिए किए। देखो यू क्या होंगी, यू पटाला होंगी, पटाला एक ब्लैक स्टोन इसको बोल सकते हैं, ब्लैक पत्थर, जो मतलब मेन कहाँ होता है, एक पहल खाला में एक गौच वक बहुत बड़ी बड़ी वहाँ खाने होती हैं, वहाँ से एक बड़ा सा प्लेन पत्थर ऐसे निकलता है, और उस प्लेन पत्थर में उसको कट किया जाता है पीसेस। तो ये जो हमारे मकान बने होते हैं इसमें इसी प्लेन पत्थर का यूज़ होता है, ठीक है, वो भी बताऊँगी मैं आपको। और जो अभी मैं आपसे ये कुलेक डाल बताया ना, कुलेक कुलेक मतलब पाइन ट्री, तो पाइन ट्री से ये निकलते हैं, इसको बोलते हैं छूती, और इसको ऐसे करके खोल के खाते हैं तो इसमें से खाने की चीज़ भी निकलती है, इसके जो बीज होते हैं उसको खाया जाता है। तो और लोगों ने क्या किया रहता है आजकल, इसको डेकोरेट करते हैं, अपने घर ले जाते हैं कलरफुल करके, डेकोरेशन के लिए उसको सजा देते हैं।
तो अब होएगी साफ सफाई पूरी होएगी और यू नंगू का अंदर बैठ गए हूँ मार्ट। ये थोड़ी पहले लगी थी मेरे, बट ये भी हील कर रही है साथ में से। अभी कोई कपड़े धोऊंगी तो ठीक हो जाएगा ये भी। और यो गायों खुण एक घासक पुली भी कार्टेल में, और ये देखो पूरा साफ। ये जो होती है ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मतलब वैसे तो कोई साइंटिस्ट कोई यहाँ आ गया तो उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, बट ये जो होता है जैसे अगर हम कुछ कट कर रहे हैं और हमारा हाथ में कहीं पे कट हो गया तो इसके पत्तों को पीस के इसका जो जूस होता है उसको लगाया जाता है। और ये एक किनगोड़ा होता है, किनगोड़ा या किलमोड़ा, बहुत अलग अलग तरीके से कुमाऊँ रीजन में अलग नाम से भी जाना जाता है इसको, किलमोड़ा। तो इससे क्या होता है, ये लोग अपने ले जाते हैं जो इसकी जड़ें होती है ना, तो जैसे जॉन्डिस या फिर बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हैं उसको क्योर करने के लिए लेके जाते हैं। और ये भी एक ऐसा ही है, हमारी जैसे कभी ये होता है स्किन निकलने लगती है फिंगर्स के पास में, तो इसको पीस के इसका जूस लगाते हैं, है ना। और ये पहिया का पेड़ था जिसको गाय खाती है, और ये होता है। अब ये काटा है, इसमें जो फल आते हैं ना वो वैसे आते हैं, मतलब फल आते हैं ब्लैक कलर के, छोटे छोटे आते हैं। और इसको क्योंकि दराती से हुआ नहीं तो मैं इसको इससे उखाड़ रही हूँ, क्योंकि घर के आसपास होना ये चीज़ें सही नहीं है। इसको जड़ से ऐसे उखाड़ दिया। ये थाड़ च अब ये खुन छन्नी भी बोलती, गुठियार भी बोलती, और गौशाला भी जिसे कहते हैं। अब गई तो घास खिलाने को ले जाणु छोमी। अच्छा शायद चराना खन ले गए वाले जने। ये जब हारू घास सूख जान तो ये इन हो जान, जब हरा घास सूख जाता है तो ऐसे हो जाता है। और अभी शायद गाय चरने गई हैं, आई थिंक सम गोट्स आर देयर इनसाइड। ओ देखो कौन है। हेलो हेलो, ओ भीतर छी है तो। ए हेलो हेलो, मैं इनको लाती हूँ, मैं इनके लिए हरी हरी घास, ठीक है। बस ये मरखुला ना हुआ मारने वाले होंगे तो पता नहीं। ये थोड़ा शर्मा रही है बट इसके पास जाते हैं। खा रही है। रुको ला रही हूँ, आपको भी ला रही हूँ। ये घासक पुली ले के जाती हूँ इसे। ये गौमूत्र है, गौत बोल दी हमारे एक, यूँ थे मुंगरा बोल दी जन, मुंगरा यही खा रही है बस, बाकी बकरियाँ तो नहीं खा रही, इनको शायद कुछ और चाहिए। ये वैसे जनरली जो चौड़े पत्ते वाली घास होती है ना वो पसंद करती हैं। वैसे इनका भी टाइम होता है खाने का, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट लंच फिर पानी पीने का, सब चीज़ें इनकी भी होती हैं। अच्छा जानू छो बाला धोड़ा फिर यहाँ क्या होते हैं, बर्तन धोने की जगह, वॉशरूम, किचन सब बाहर होते हैं, रूम में कुछ होता नहीं है, ठीक है। और जैसे जब गैस नहीं चलती थी तो तब चूल्हे में ही बनता था, तो चूल्हे में बर्तन कुछ ऐसे हो जाते थे, इसको झाल बोलते हैं, जो काली काली राख का लगता है। फिर हम इसको कुसिंडे से साफ करते हैं, मिट्टी का और राख का मिक्सचर लेके और इसको ऐसे 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 साफ़ करना है। तो अभी मैं वो करूँगी और